गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आई एम गोइंग टू टीच यू बायो चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। लाइफ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पिछले दिन हमने रिवीजन का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम लोग रिवीजन क्लास का सेकेंड पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन इन दोनों का रिवीजन करेंगे। आज हम लोग करेंगे रिवीजन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का, जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड ब्लड वेसल हार्ट एंड लिम्फ आता है। उसके बाद एक्सक्रेशन इन प्लांट्स और ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी, नेफ्रॉन, किडनी फेल्योर, इन सब की चर्चा हम लोग आज करेंगे। देखें आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 52 में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पौधों में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम एंड फ्लोएम दो वैस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होता है। देखिए जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड फ्लोएम, दूसरा फ्लोएम है, फ्लोएम कैरीज फूड प्रिपेयर इन लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से दो टिश्यूज हैं, दो वैस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। देखिए पेज नंबर 54 में किस प्रकार से जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल रूट से एब्जॉर्ब होकर करके ये लिप्स में पहुंचता है। जाइलम में वन वे ट्रांसपोर्टेशन होता है अपवर्ड ओनली रूट टू लिप्स। पेज नंबर 55 देखें, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के थ्रू फूड जो लिप्स में बनता है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। और फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन है जाइलम की तरह वन वे नहीं होता है, बल्कि ये हर डायरेक्शन में होता है। अब देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसा कि हम बता चुके हैं ये दो पार्ट में बटा होता है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फैटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैरी होता है और लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ। ये ब्लड और लिम्फ दोनों ही कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट हैं, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। ब्लड का दो पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी का काम करता है, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का आर्मी है जो जर्म्स के साथ फाइट करता है, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ताकि ब्लीडिंग के दौरान यदि कोई एक्सीडेंट हो, घाव हो, तो उसमें जो जब ब्लीडिंग हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो बल्कि ब्लड क्लॉट कर जाए, ब्लड का बहना रुक जाए। तो इसके बाद ब्लड वेसल, ब्लड वेसल तीन प्रकार के होते हैं, एक हार्ट से दूसरे ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट में ले जाने वाला जो कि आर्टरी कहलाता है, और बॉडी के सभी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक कैरी करने वाला वेन कहलाता है। और आर्टरी और वेन जहाँ कंबाइन करते हैं ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, वो बहुत फाइन वेसल होता है, बिल्कुल हेयर की तरह फाइन, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। और इसके बाद हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे ये मेन पार्ट है हार्ट, जो कि हमारे चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में, लंग्स के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ बंद मुट्ठी की तरह का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर एंड ट्रायंगुलर, और ये एक पंपिंग ऑर्गन है। हमारा हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, बीच से ये ऊपर से नीचे दो भाग में बटा होता है एक सेप्टम के द्वारा,
राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट भी दो भाग में बटा होता है और लेफ्ट भी दो भाग में बटा होता है। ऊपर का दोनों पार्ट जो है आट्रिया कहलाता है, एक आट्रियम और दोनों मिला करके आट्रिया, राइट आट्रियम लेफ्ट आट्रियम, और नीचे का दो पार्ट जो है वेंट्रिकल कहलाता है। ऊपर के दोनों पार्ट में ब्लड रिसीव करने का काम होता है और नीचे के दो पार्ट जो वेंट्रिकल है उससे ब्लड को सेंड करने का काम होता है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू राइट आट्रियम में आता है, और जब ऊपर का पार्ट कंट्रैक्ट करता है, आट्रिया कंट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है, जहाँ कि उसका प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, और फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आता है। जब आट्रिया कंट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट आट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो अरोटास के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। यही ब्लड का फ्लो सिस्टम है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड जो है फ्लो करता है, पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। अब देखें पेज नंबर 67 में एक्सक्रेशन क्या है। रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। सेलुलर वेस्ट जो कि पॉइजनस सब्सटेंस होता है, यदि लिविंग बॉडी में ज़्यादा देर तक रहे तो लिविंग बॉडी में बहुत तरह के डिजॉर्डर्स डिजीज हो सकते हैं और फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो सकता है। इसलिए एक्सक्रेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रेशन बहुत स्लो होता है और बहुत कम होता है, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही कम है और इसका प्लांट में हर तरह के प्रोसेस काफ़ी स्लो होते हैं, रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है, इसलिए एक्सक्रेटरी सब्सटेंस भी यहाँ कम बनता है। और दूसरी बात है कि पौधों में एक एबिलिटी है कि ये अपने एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को खुद ही यूज कर लेता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में O2 बनता है, O2 रिलीज होता है वेस्ट के रूप में, जिसको रेस्पायरेशन में यूज कर लेता है प्लांट, और रेस्पायरेशन में CO2 बनता है जिसको कि फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। इस प्रकार से प्लांट्स में एक एबिलिटी है एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस को रीयूज करने का, इसलिए ज़्यादा एक्सक्रेशन प्लांट में नहीं होता है। और कुछ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस CO2, O2 तो है ही वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट का, और वाटर भी ट्रांसपायरेशन में, साथ ही साथ गम गोंद के रूप में। और पेज नंबर 68 में देखिएगा गम रेसिन, ये सब कुछ प्लांट वेस्ट का नाम है, इसको याद रखिएगा। प्लांट बार्क के रूप में भी वेस्ट को जो है बाहर निकालता है, साल में एक बार उस छाल बार्क जो है वो छोड़ देता है। साथ ही साथ लिव्स भी, कुछ पौधे लिव्स अपना पूरा गिरा देते हैं तो लिव्स के साथ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। तो ये सब मेथड है प्लांट का एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को अलग करने का, वेस्ट सब्सटेंसेस को अलग करने का। अब आप लोग देखिए पेज नंबर 69 में एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। एक्सक्रेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में एक्सक्रेशन के बहुत कई ऑर्गन्स हैं, लेकिन सबसे मेन जो है यूरिनरी सिस्टम है, क्योंकि मोस्टली एक्सक्रेशन जो है किडनी के थ्रू ही होता है, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ही होता है, इसलिए इसी को मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोग के पास दो किडनीज होते हैं, ये दोनों किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। इस ब्लड फिल्टर में होता क्या है कि ब्लड में जो वेस्ट होता है यूरिया, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के रूप में होता है, यूरिया एक्सेस वाटर ये सब बाहर निकाला जाता है। यही किडनी में ब्लड छनता है और यूरिया और एक्सेस वाटर यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। पेज नंबर 70 में देखिए किडनी, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये किडनी के छोटे छोटे यूनिट है नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, और ये ब्लड फिल्टर करने का काम करते हैं।
ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं, और यहाँ ब्लड वेसल आता है, और ग्लोमेरुलस में बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको कि हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ ब्लड फिल्टर होता है, और ये फिल्टर हो कर के जो भी वेस्ट मटेरियल, एक्सेस वाटर और साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी चली जाती है इस ट्यूबुल में, ये जो नली है ट्यूबुल कहलाता है। और इसके बाद ये जो ब्लड वेसल नेफ्रॉन से ग्लोमेरुल बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलता है, वो ट्यूबुल को चारों तरफ सराउंड करता है, और ट्यूबुल में जो ज़रूरी चीज़ें चली जाती है छन करके उसको रीएब्जॉर्ब करता है, और फाइनली जो लिक्विड बच जाता है वो यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी डक्ट में कलेक्ट होता है, और किडनी से बाहर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लाडर में आकर के जमा होता है, और समय समय पे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। पेज नंबर 71 में देखें किडनी फेल्योर, कुछ लोगों का किडनी जो है काम करना बंद कर देता है, मतलब कि ब्लड का फिल्ट्रेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को किडनी फेल्योर कहते हैं, और ये कंडीशन जो है अच्छा नहीं कहलाता है। यदि बहुत दिनों तक ऐसा हाल रहा तो उस आदमी के ब्लड में गंदगी वेस्ट बढ़ता चला जाता है, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोगों का जिनका कि किडनी काम करना बंद कर देता है, उनको डायलिसिस के थ्रू, डायलिसिस एक प्रोसेस है और ये आर्टिफिशियल किडनी भी कहलाता है, क्लिनिक में टाइम टू टाइम वैसे लोग जाते हैं और ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा या डायलिसिस मशीन के द्वारा ब्लड फिल्टर किया जाता है, और इस तरह से वो जिंदा रह पाते हैं। लेकिन ये टेम्पररी इलाज है, परमानेंट इलाज इसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन है किसी हेल्दी पर्सन का, और सेम ब्लड ग्रुप का किडनी लिया जा सकता है और ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन किडनी फेल्योर का परमानेंट इलाज है। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया, और रिवीजन भी साथ ही साथ कंप्लीट हो गया। अब आप लोग होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा, ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ हार्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज डायलिसिस। इट्स ओके, थैंक यू।